हुंडई अल्काज़ार को लॉन्च कर दिया गया है। ये गाड़ी दिल्ली के एक शोरूम प्राइसेस के हिसाब से 16,30,000 रुपए से शुरू होकर 20,15,000 रुपए तक की मिल जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस गाड़ी में कितने वेरिएंट्स मिल जाते हैं, किस वेरिएंट में कौन कौन से फीचर्स हैं और सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है। इस गाड़ी को मेनली तीन वेरिएंट्स में डिवाइड किया गया है, बेस वेरिएंट प्रेस्टीज, मिड वेरिएंट प्लैटिनम और टॉप वेरिएंट सिग्नेचर। लेकिन 6 सीटर और 7 सीटर ऑप्शंस, मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस की वजह से इस गाड़ी के हर वेरिएंट को सब डिवाइड किया गया है ऑप्शनल वेरिएंट्स में, मतलब कि प्रेस्टीज, प्रेस्टीज ऑप्शनल, प्लैटिनम, प्लैटिनम ऑप्शनल और सिग्नेचर, सिग्नेचर ऑप्शनल। तो इस तरह से इस गाड़ी में टोटल आपको 6 वेरिएंट्स मिलते हैं। अगर आप इस गाड़ी का 7 सीटर वेरिएंट खरीदना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपको सिर्फ इसके 3 बेस वेरिएंट्स में मिलता है, प्रेस्टीज, प्रेस्टीज ऑप्शनल और प्लैटिनम। इसके अलावा टॉप 3 वेरिएंट्स में आपको सिर्फ 6 सीटर ऑप्शन मिल पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं उन फीचर्स के बारे में जो आपको अल्काज़ार खरीदने पर कम से कम मिलते ही मिलते हैं, फिर आप चाहे कोई भी वेरिएंट क्यों ना खरीदो। ऑटो हेडलैम्प्स, बिल्कुल ये फीचर आपको इस गाड़ी में स्टैंडर्ड मिलता है हर किसी वेरिएंट में। यही नहीं, कई सारे प्रीमियम फीचर्स हैं जो आपको इस गाड़ी के बेस वेरिएंट में भी मिल जाते हैं, देखते जाओ बस। LED फॉग लैम्प्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर, रियर डिफॉगर विद टाइमर, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर, रियर पार्किंग सेंसर्स, रियर पार्किंग कैमरा, LED हेडलैम्प्स एंड पोजिशन लैम्प्स, LED DRLs, LED टेल लैम्प्स, LED टर्न इंडिकेटर्स ऑन ORVM, फ्रंट क्रोम ग्रिल, क्रोम वर्क ऑन फॉग लैम्प्स, डोर हैंडल्स एंड टेल गेट, फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट, बॉडी कलर्ड ORVM, ब्लैक कलर्ड A, B and C पिलर्स, सिल्वर इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स, शार्क फिन एंटीना, ट्विन टिप एग्जॉस्ट, डायमंड कट अलॉय व्हील्स, एम्बियंट लाइटिंग, मेटेलिक डोर स्कफ प्लेट्स, वॉइस एनेबल्ड पैनोरामिक सनरूफ। जो बिल्कुल मैंने बोलने में आपको बताने में कहीं कोई गलती नहीं की है, इस गाड़ी में पैनोरामिक सनरूफ जैसा प्रीमियम फीचर जो आमतौर पर दूसरी गाड़ियों में सेकंड टॉप या टॉप वेरिएंट में ही मिल पाता है, वो इस गाड़ी में आपको स्टैंडर्ड मिलता है, मतलब कि बेस वेरिएंट में भी आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल रही है यार। नो डाउट इस अकेले फीचर की वजह से इस गाड़ी की बिक्री में काफ़ी बढ़ोतरी होने वाली है। इसके अलावा आपको पुश स्टार्ट बटन, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, फ्रंट स्लाइडिंग सन वाइजर, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVM, वायरलेस चार्जर, फ्रंट आर्मरेस्ट विद स्टोरेज और फ्रंट की दोनों सीट्स के पीछे आपको एक टेबल मिल जाती है जिसमें आप अपना ग्लास भी रख सकते हैं और लैपटॉप, मोबाइल वगैरह कुछ भी रख सकते हैं और साथ ही में एक सीट बैक पॉकेट भी मिलती है। इसके अलावा अगर आप 6 सीटर वेरिएंट खरीदते हैं तो आपको सेकंड रो में एक कॉन्सोल मिल जाता है जिसमें आपको वायरलेस चार्जर एक और मिलता है फ्रंट रो के अलावा, स्टोरेज मिल जाता है, कप होल्डर मिल जाते हैं। और अगर आप 7 सीटर वेरिएंट खरीदते हैं तो आपको सिंपली एक आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसमें कप होल्डर दिए हुए हैं। इसके अलावा रियर विंडो सनशेड, सेकंड रो और थर्ड रो में सेपरेट AC वेंट्स मिल जाते हैं, फ्रंट, मिड और लास्ट रो में आपको USB चार्जर मिल जाता है एक एक यूनिट। इसके अलावा फ्रंट पावर आउटलेट अलग मिलता है, रियर वाइपर एंड वॉशर, LED रीडिंग लैंप्स, लगेज लैंप, पावर विंडो विथ ड्राइवर ऑटो अप एंड डाउन, सनग्लास होल्डर, पैसेंजर वैनिटी मिरर, कूल्ड ग्लव बॉक्स, टिंटेड ग्लास, इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज, फॉलो मी हेडलैम्प्स, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट फॉर ऑल रोज। इसके अलावा अगर आप इस गाड़ी का 7 सीटर वेरिएंट खरीदते हैं तो आपको सेकंड रो में 60:40 स्प्लिट सीट्स मिल जाती हैं, बाकी 6 सीटर वेरिएंट में कैप्टन सीट्स तो हैं। कोई भी सिटिंग ऑप्शन हो, सेकंड रो की सीट्स स्लाइडिंग, रिक्लाइनिंग और वन टच टिप एंड टम्बल फीचर के साथ मिलती हैं। थर्ड रो में आपको 50:50 स्प्लिट सीट्स मिल जाती हैं जो रिक्लाइन भी कर सकते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको 10.25 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है। आमतौर पर गाड़ियों में बेस वेरिएंट में छोटी टच स्क्रीन दी जाती है, लेकिन इसके बेस वेरिएंट में भी फुल साइज 10.25 इंच की टच स्क्रीन दी गई है विद ऑल फीचर्स जैसे कि नेविगेशन, ब्लूटूथ, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, 6 स्पीकर्स और ब्लूलिंक कार कनेक्टिविटी भी मिल जाती है, वो भी बेस वेरिएंट में ही। इसके अलावा स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी आपको दिए हुए हैं। इन फीचर्स के अलावा आपको सेफ्टी के मामले में इस गाड़ी में 4 डिस्क ब्रेक्स दिए हुए हैं, ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल और सीट बेल्ट रिमाइंडर एंड सीट बेल्ट प्रिटेंशनर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर जैसे सेफ्टी फीचर्स भी आपको स्टैंडर्ड मिल जाते हैं इस गाड़ी में। मैंने अपनी लाइफ में इस बजट की किसी भी गाड़ी के बेस वेरिएंट में इतने सारे फीचर्स नहीं देखे। इतने सारे फीचर्स तो आपको गाड़ियों के सेकंड टॉप या टॉप वेरिएंट में मिल पाते हैं, जबकि इस गाड़ी में कम से कम ये फीचर्स आपको मिलते ही मिलते हैं हर किसी वेरिएंट में। कमाल ही कर दिया हुंडई ने यार, फीचर्स डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में इस गाड़ी का कोई तोड़ नहीं है बॉस।
चलिए अब वेरिएंट वाइज फीचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके बेस वेरिएंट प्रेस्टीज के बारे में। ये वेरिएंट आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलता है, इसमें आपको ऑटोमेटिक नहीं मिल पाता। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस वेरिएंट में पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन में आपको 6 सीटर और 7 सीटर दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। पेट्रोल 7 सीटर आपको 16.30 लाख रुपीज़ का मिलता है, जबकि 6 सीटर 15,000 रुपये महंगा 16.45 लाख रुपीज़ का मिलता है। इसी तरह से डीजल 7 सीटर 16.53 लाख रुपीज़ का मिलता है और 6 सीटर 15,000 रुपये महंगा 16.68 लाख रुपीज़ का। इस गाड़ी की एक और खास बात है कि इसके पेट्रोल और डीजल वेरिएंट्स के बीच में मात्र 23,000 रुपये का अंतर है। आमतौर पर गाड़ियों में 1 लाख रुपये तक का होता है। और इसके पीछे की वजह यह है कि इसमें छोटा 1.5 लीटर डीजल इंजन इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इसके ऊपर टैक्सेस कम लगे हैं। फीचर्स के बारे में बात करते हैं, तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको जो स्टैंडर्ड फीचर्स बताए थे वो सभी फीचर्स आपको इस बेस वेरिएंट में मिल जाते हैं। उसके अलावा और कोई फीचर आपको इसमें नहीं मिलता। चलिए अब थोड़ा ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं प्रेस्टीज ऑप्शनल वेरिएंट के बारे में। तो इस वेरिएंट में आपको सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, मैनुअल नहीं मिलता। इसके अलावा इस वेरिएंट में आपको पेट्रोल इंजन सिर्फ 6 सीटर के साथ मिलता है और डीजल इंजन सिर्फ 7 सीटर के साथ। आपको दोनों ही सीटिंग ऑप्शंस दोनों इंजन में नहीं मिल पाते। ये वेरिएंट आपको 1.5 लाख रुपये महंगा मिलता है बेस वेरिएंट प्रेस्टीज से। इन 1.5 लाख रुपये में आपको एक तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है और कुछ फीचर्स भी ज़्यादा मिल जाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, एयर प्योरीफायर, पेडल शिफ्टर्स जो सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में दिए जाते हैं। और इस गाड़ी का आप किसी भी वेरिएंट का ऑटोमेटिक खरीदते हो तो आपको मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स और ट्रैक्शन मोड्स भी मिल जाते हैं। ये मोड किसी भी वेरिएंट के मैनुअल ट्रांसमिशन में नहीं दिए हुए हैं। चलिए अब और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं लोअर मिड वेरिएंट प्लेटिनम के बारे में। इस वेरिएंट में आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, वो भी सिर्फ 7 सीटर ऑप्शन के साथ में। इसमें आपको ना तो ऑटोमेटिक मिल पाता है और ना ही 6 सीटर का ऑप्शन मिल पाता है। ये वेरिएंट आपको सेकंड बेस प्रेस्टीज ऑप्शनल से पेट्रोल में 29,000 रुपये और डीजल में 44,000 रुपये महंगा पड़ता है। लेकिन अगर इसकी प्राइसिंग को कंपेयर किया जाए प्रेस्टीज मैनुअल से, तो पेट्रोल और डीजल दोनों में ही ये आपको 1,92,000 रुपये 1.92 लाख रुपीस महंगा पड़ता है। फीचर्स के बारे में बात करते हैं, तो जो सभी फीचर्स आपको सेकंड बेस प्रेस्टीज ऑप्शनल में मिल पा रहे थे उन सब के अलावा इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग्स, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट, पेडल लैंप्स, 18 इंच डायमंड कट एलॉय व्हील्स। अभी तक आपको डायमंड कट एलॉय तो मिल रहे थे लेकिन वो 17 इंच के थे। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में यहाँ से आपको 10.25 इंच की बड़ी स्क्रीन मिलना शुरू हो जाती है, जो अभी तक आपको 7 इंच की मिल रही थी। लेदर सीट्स एंड डोर आर्मरेस्ट, सेकंड रो हेडरेस्ट कुशन, थर्ड रो में आपको 2 USB पोर्ट मिल जाते हैं जो अभी तक एक सिंगल मिल पा रहा था। 8-way पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट और 8 स्पीकर्स मिल जाते हैं बोस के, जो अभी तक आपको स्टैंडर्ड क्वालिटी के मिल रहे थे। चलिए अब और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं अपर मिड वेरिएंट प्लेटिनम ऑप्शनल के बारे में। ये वेरिएंट आपको सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में मिलता है और यहाँ से आपको सिर्फ 6 सीटर वेरिएंट मिलना शुरू हो जाता है, 7 सीटर ऑप्शन यहाँ से मिलना बंद। ये वेरिएंट आपको प्लेटिनम से 1,34,000 रुपये महंगा मिलता है, फिर आप चाहे पेट्रोल लो या फिर डीजल। और अगर प्रेस्टीज ऑप्शनल से कंपेयर किया जाए तो ये पेट्रोल में 1,63,000 रुपये जबकि डीजल में 1,78,000 रुपये महंगा मिलता है। फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो जो सभी फीचर्स आपको प्लेटिनम में मिल पा रहे थे उन सब के अलावा इस वेरिएंट में आपको सिर्फ एक फीचर ज़्यादा मिल पाता है और वो है साइड फुट स्टेप। इसके अलावा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है तो आपको मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स, ट्रैक्शन मोड्स और पेडल शिफ्टर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए अब और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं टॉप वेरिएंट के मैनुअल ट्रांसमिशन सिग्नेचर के बारे में। ये वेरिएंट आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में ही मिल पाता है और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इसमें आपको सिर्फ 6 सीटर ऑप्शन मिलता है, 7 सीटर नहीं मिलता। ये वेरिएंट प्लेटिनम ऑप्शनल से 85,000 रुपीज महंगा मिलता है पेट्रोल और डीजल दोनों में ही। और अगर इसके प्राइसेस को कंपेयर किया जाए प्लेटिनम से तो ये 49,000 रुपये 49,000 रुपीज महंगा मिलता है। इस वेरिएंट से आपको डुअल टोन कलर ऑप्शन मिलना शुरू हो जाता है, जो कि आप 15,000 रुपये ज़्यादा पे करके खरीद सकते हो। फीचर्स के बारे में बात करते हैं, तो जो सभी फीचर्स आपको प्लेटिनम ऑप्शनल में मिल रहे थे उन सब के अलावा इस वेरिएंट में आपको सिर्फ 2 फीचर्स ज़्यादा मिल पाते हैं, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स।
इस गाड़ी में मुझे बस एक आध दो बातें समझ में नहीं आई, जैसे कि सारे के सारे फीचर्स तो आपने बेस वेरिएंट में डाल दिए हैं और उसके अलावा बाकी सभी फीचर्स को आपने 6 सीटर, 7 सीटर, मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के हिसाब से बांटा हुआ है। इस तरह का फीचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन मैं पहली बार किसी गाड़ी में देख रहा हूँ। दूसरी बात जो मुझे समझ नहीं आई कि साइड फुट स्टेप इस गाड़ी के सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में दिया हुआ है, मैनुअल में नहीं है। क्यों भाई, मैनुअल चलाने वालों के क्या पैर नहीं होते? मैनुअल चलाने वालों के माँ बाप क्या सहारा लेकर गाड़ी के अंदर बैठना नहीं चाहते? मतलब साइड फुट स्टेप का ट्रांसमिशन से क्या लेने देना यार, ये फीचर तो आपको कम से कम अपर 3 या 4 वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड देना चाहिए था। चलिए अब और ऊपर चलते हैं और बात कर लेते हैं इसके टॉप वेरिएंट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के बारे में, सिग्नेचर ऑप्शनल। इस वेरिएंट में आपको सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल पाता है, वो भी सिर्फ 6 सीटर ऑप्शन के साथ। ये वेरियंट सिग्नेचर से पेट्रोल में 1,14,000 रुपए और डीजल में 1,06,000 रुपए महंगा मिलता है। और अगर इसकी प्राइसिंग को प्लेटिनम ऑप्शनल से कंपेयर किया जाए तो पेट्रोल में 29,000 रुपए और डीजल में 21,000 रुपए महंगा मिलता है। ये फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो सिग्नेचर ऑप्शनल आपको सिर्फ ऑटोमेटिक में मिलता है, इसलिए इसमें आपको मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स, ट्रैक्शन मोड्स और पेडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं। और वही जो मैंने अजीब व गरीब बात आपको बताई थी कि ऑटोमेटिक में साइड फुट स्टेप भी मिल जाता है, तो वो भी इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा फीचर इसमें नहीं मिल पाता। तो ये थे इस गाड़ी में मिलने वाले सभी वेरियंट्स और उनके फीचर्स। इसका बेस वेरियंट देखकर मैं जितना एक्साइटेड था, ऊपर चलते चलते अपर वेरियंट देखते देखते मेरे एक्साइटमेंट ने खुद का गला घोट लिया भाई। सारे के सारे फीचर्स उन्होंने बेस वेरियंट में डाल दिए और बचे कुचे लोअर मिड प्लेटिनम में। ऊपर के 3 वेरियंट्स को सिर्फ ट्रांसमिशन के बेसिस पर डिवाइड कर दिया भाई। टॉप वेरिएंट सिग्नेचर बनाया ही क्यों है, खासकर सिग्नेचर ऑप्शनल, जिसमें आपको सिर्फ 2 फीचर्स ज्यादा मिलते हैं अपर मिड प्लेटिनम ऑप्शनल से, फ्रंट पार्किंग सेंसर और फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, जिनके लिए आपको 30,000 रुपए ज्यादा पे करने पड़ते हैं। हालांकि इस बजट में 30,000 रुपए मायने नहीं रखते, लेकिन इतने माइनर डिफरेंस के साथ वेरियंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करने के पीछे क्या लॉजिक है यार। खैर छोड़िए इन सब बातों को, सीधे पॉइंट पर आते हैं और आपका कंफ्यूजन खत्म करते हैं। अगर आप इस गाड़ी का पेट्रोल 6 सीटर लेना चाहते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन में, तो आपको इसका बेस वेरियंट प्रेस्टीज लेना चाहिए, जिसमें आपको जरूरत से ज्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। क्योंकि इसके बाद 6 सीटर पेट्रोल मैनुअल का ऑप्शन आपको सीधे टॉप वेरिएंट सिग्नेचर में मिलता है। अगर आप इसका पेट्रोल 6 सीटर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में लेना चाहते हैं, तो आपको इसका सेकंड बेस प्रेस्टीज ऑप्शनल लेना चाहिए। और अगर ज्यादा सेफ्टी या ज्यादा फीचर्स चाहते हैं तो प्लेटिनम ऑप्शनल ले सकते हैं। अगर आप पेट्रोल 7 सीटर मैनुअल लेना चाहते हैं, तो आपको इसका बेस वेरिएंट प्रेस्टीज लेना चाहिए। अगर ज्यादा फीचर चाहते हैं तो प्लेटिनम ले सकते हैं। अगर आप पेट्रोल 7 सीटर ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन अल्कज़ार के साथ आपको मिलता ही नहीं है। डीजल इंजन 6 सीटर मैनुअल लेना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ एक सिंगल ऑप्शन मिलता है, बेस वेरिएंट प्रेस्टीज। अगर आप इसका डीजल 6 सीटर ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं, तो आपको सीधे इसका अपर मिड वेरिएंट प्लेटिनम ऑप्शनल लेना पड़ेगा 19,80,000 रुपए का। लोअर वेरिएंट या फिर लोअर मिड वेरिएंट में ये ऑप्शन है ही नहीं। डीजल 7 सीटर मैनुअल लेना चाहते हैं, तो बेस वेरिएंट सबसे बढ़िया है प्रेस्टीज। ज्यादा फीचर चाहते हैं तो प्लेटिनम ऑप्शनल ले लो। डीजल 7 सीटर ऑटोमेटिक में लेना चाहते हैं, तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, प्रेस्टीज ऑप्शनल। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह से इसका टॉप वेरिएंट सिग्नेचर खरीदने के पीछे मुझे कोई लॉजिक नजर नहीं आता। बाकी भाई मन तो मन है, आपका मन है तो बिंदास खरीदो। अगर आप अपने 2-व्हीलर या 4-व्हीलर के लिए कोई सस्ती और अच्छी नई एसेसरी खरीदना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी जानकारी दी हुई है, आप चाहो तो वहाँ पे जाकर देख सकते हो। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।